हमारे एक भी व्यक्ति, एक भी कार्यकर्ता कोई भी शराब पिया हुआ नहीं था और कोई भी गलती नहीं कर रहा था। इसके लिए मैंने कल सबका ध्यान दिया था इसके। और मैं आज कल से भी बड़ी घटना, आज हमारे साथ हमारे बड़े भाई ओमेंद्र जी भाई साहब जब परसान प्राम बूथ पे थे तो इस विधायक ने खुद ने अपने हाथ से उनका सिर फोड़ा है। तो मैं गांव की नवलगढ़ की जनता को पूछना चाहता हूं कि कौन सा कदम उठाना चाहिए आपके हाथ की तरफ से। अभी ओमेंद्र जी के चोट ज्यादा आने से उनकी जांचें हो रही है और बिल्कुल वो कुछ सीरियस भी है, लेकिन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं इस विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीन तारीख को मतगणना होगी, 3 तारीख को मतगणना होगी। और अभी ओमेंद्र जी भाई साहब शाम को, आज रात तक या सुबह जब भी मुकदमा करने की, केस करने की, FIR दर्ज करवाने की कहेंगे आप, हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उसके बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम देंगे, इस विधायक की गिरफ्तारी की जाए। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि प्रशांतपुरा के अंदर पूरे दिन उन नौजवानों ने इतना संघर्ष किया है, इस बदमाश विधायक के सामने मैं रोज कहता था ना, ये बिहार बनाना चाहता है इस नवलगढ़ को। लेकिन दोस्तों आपने आज बहुत शानदार काम किया है, आपने जिस तरीके से इसका इलाज किया है मतदान की चोट से, उसके लिए आप बहुत बहुत आभारी हो। आपने जिस कदर दिन रात एक करके पूरी विधानसभा में मेहनत की है, उसका रिजल्ट आज राजस्थान की 200 विधानसभा में सबसे टॉप आ चुका है। और अब देख लेना, आप जितने भी इसके पास ये कैमरे लेके घूम रहे थे ना, वो सिर्फ थाने की सिफारिश तक ही सीमित थे, न तो एक ना थानेदार ला देगा और न वे कैंपर ला देगी। और आप लोगों को मैं खूब धन्यवाद दूंगा कि आपने अनुशासन में रह करके और भारतीय जनता पार्टी को और जनता की जीत दर्ज करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं निश्चित रूप से आपका लगातार ऋणी रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा। आपने नवलगढ़ में परिवर्तन लाने के लिए जीत जान एक कर दी, आपने कभी रात नहीं समझा, दिन नहीं समझा, आपने अपनी गाड़ियां तुड़वाई, आपने अपना पैसा खर्च किया है और 24 घंटे नवलगढ़ को बचाने के लिए, 24 घंटे नवलगढ़ को बचाने के लिए आपने जो मेहनत की है, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हो। और मैं एक एक कार्यकर्ता से जाकर के मिलूंगा, जो मैं कह रहा हूं एक एक कार्यकर्ता से जाकर मिलूंगा और सबसे मिलकर के और भाईचारा और प्रेम लगातार बना के रखूंगा। अब आपको अब आपने चुनाव वाला काम तो दे कर दियो, अब आप ओमेंद्र जी के सागे की घटना हुई, काल ढाका ही डाड़ी के मायने दो गाड़ी शादी में जाकर आ रही है, बाकी गाड़ी तोड़वाई, मानाणी में जाकर बदमाशी करवाई, बिरोल का एक पुलिस में, दिल्ली पुलिस में संपत्ति, बाकी सागे मारपीट करी। मैं आप लोगों कह रहा हूं वो बदलो तो वोट की चोट दे के ले लियो। अब सुनो, आप लोगों ने अनुशासन में रहना है और जो बाहर से गुंडे आए हैं आपने देख लिया ना,
कि किस कदर नीचे उतर सकता है ये है क्या इसे ये एमएलए वार्ड बच के भी लाइफ जिंदगी में उसको इस नवलगढ़ के अंदर आपने विदाई तो दे दी।